रामपुर बुशहर नगर परिषद उपचुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 नवंबर को दो वार्डो के लिए होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस समर्थित करण ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वार्ड नंबर 5 से ये पहला नामांकन भरा गया है। करण युवा कांग्रेस में सचिव पद पर तैनात है। नामांकन भरने के दौरान के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि अवैध कब्जे के चलते वार्ड नंबर 5 से पंकज बराड़ की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। वहीं तीसरे वार्ड नंबर से चूड़ामणि से भी अवैध कब्जे के चलते सदस्यता छीन ली गई थी। तहसीलदार व अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद विपिन ठाकुर ने कहा कि वार्ड नंबर 3 व 5 में पार्षद के लिए चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने बताया नामांकन के दूसरे दिन एक नामांकन आया है। 5 नवंबर को स्क्रूटनी होगी व 7 नवंबर को नामांकन वापस ले सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए 5 तारीख है और नाम विड्रॉल के लिए 7 तारीख है। 7 तारीख को 3 बजे जो भी कैंडिडेट बचेंगे उनको सिंबल अलॉट कर दिए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया में नामांकन के आज दूसरा दिन है और आज अभी 2 बजे तक हमें एक नामांकन प्राप्त हुआ है और यह नामांकन प्रक्रिया 4 तारीख को 3 बजे तक चलती रहेगी।